तो हे यारो, आज की वीडियो में होने वाला है फुल ऑन एक्शन, कॉमेडी एंड इमोशन। तो जिस सिस्टम से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट करो, जिससे भी मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखो। आखिरकार कोबरा तू हमारे हाथे चढ़ ही गया, अब दिखाता हूँ तुझे अपनी पावर। अरे छोड़ दो कोबरा को, कोबरा ने कुछ नहीं किया है। मार ले CR7, मार ले। जब तक कैली तेरे पास है ना, तब तक जितना चाहे तू मार सकता है मुझे, उसके बाद तेरी मौत आएगी। अच्छा ये बात है कुत्ते, अब देख तू मरेगा मेरे हाथों से। कुत्ते क्या हालत कर दी है तुमने कोबरा की, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मत मारो इस बेचारे को। इसे तो खत्म कर डालूंगा कुत्ते को, मुझसे होशियारी दिखा रहा था CR7 से। और तू के लिए, तुझे क्या लगता है मैं तुझे बख्श दूंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है, हमारे नाम से ये पूरा क्लॉक टावर कांपता है, और तुम लोग तो चिरकुटो मेरे सामने। काट डालूंगा एक एक को। अरे हम जा रहे हैं, इस कोबरा की लाश को ठिकाने लगा दो जल्दी से जल्दी। ठीक है बॉस। अरे अबे जल्दी करो, इस कोबरा की लाश को ठिकाने लगा दो। नहीं कोबरा तुम मर नहीं सकते हो, उठो इन दुष्टों का सामना करो। कोबरा मर चुका है, और अब तू भी अंदर चल, नहीं तो गोली से भून दूंगा तुझे मैं। ठीक है मैं चलती हूँ, मारना मत मुझे। हाँ हाँ बे चल अंदर, अबे कोबरा की लाश को ठिकाने लगा दो। भाई अभी कर लगाता हूँ इसकी लाश को ठिकाने। अरे बारिश कहाँ से लग पड़ी यार? अबे बारिश लगते रहेगी, तुम इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। ठीक है बॉस, ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं भी लगाता हूँ इसकी लाश को ठिकाने। अरे मुझे लगता है इसे होश आ रही है बॉस। अरे ये तो जिंदा हो गया। हम मरे ही कब थे, हम जब तक नहीं मरेंगे तब तक तुम जैसे दोस्तों का संघार न करें। कहां पर है मेरी कैली? अरे वो अंदर है, अंदर। ये रे, तुम लोगों ने बहुत सताया है मेरी कैली को, अब मरो मेरे हाथों से। और तुम्हारा वो बॉस क्रोनो कहां गया बे? ये ले बताओ बे, कहां है तुम्हारा बॉस? ये ले। नहीं बताएंगे हम, मार डालेंगे तुझे। ये ले तो, तू बता दे बे कहाँ है तेरा बॉस? नहीं बताऊंगा मैं। ये ले तो, मरेगा तू। ये ले बे, ये ले। कैली कहाँ होगी, लगता है अंदर है। अरे कैली कहाँ हो तुम? अरे मुझे छोड़ दो, कोबरा को होश आ गया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अबे तुझे कैसे छोड़ दूँ? अबे साले तेरी जरूरत कैसे हुई कैली को गन दिखाने की? कहाँ है तेरा बॉस CR7? अरे वो चले गए हैं यहाँ से, वो नहीं आएंगे अब यहाँ। तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? बड़ा आया। अरे कैली तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ कोबरा, तुम भी ठीक हो ना? ध्यान रखना बना। अरे क्या हुआ है इधर? अरे बॉस वो कोबरा जीवित हो गया था बॉस। वो कैसे जीवित हो गया था? पता नहीं बॉस, आसमान से बारिश हुई और वो जीवित हो गया, और अपने साथ कैली को भी ले गया है बॉस। अभी तूने उसे चेक नहीं किया था? मुझे लगता है वो बेहोश ही हुआ था। तुम लोग एक भी काम ढंग का नहीं कर सकते हो, अब मार के चला गया ना वो। अरे हाँ हाँ बॉस सही कह रहे हो, लेकिन हम उसकी लाश ठिकाने लगाने वाले ही थे, लेकिन पता नहीं बारिश कहाँ से आ गई। कोई ना, अब हमें जाना पड़ेगा अपने भाई के पास, वहीं से हमें हेल्प मिलेगी आगे की। ठीक है हम चलते हैं, ध्यान रखो तुम क्लॉक टावर का। ठीक है बॉस जैसा आप कहें, इन लाश को भी ठिकाने लगा देता हूँ। देखो मेरे भाई जी, मैं कैली को तुम्हारी हिफाजत में छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मेरे साथ रहेगी तो इस पर और भी खतरा मंडराता रहेगा। ठीक है कोई नहीं, मैं इसकी रक्षा करूँगा। हाँ और मुझे अभी उस CR7 को भी ढूंढना है, जब तक वो नहीं मिल जाता ना तब तक हम पर खतरा यूं ही बना रहेगा। नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी कोबरा। नहीं कैली नहीं, इसी में ही तुम्हारी भलाई है और मेरी भी, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो हो तुम। ठीक है जय भाई, इसका ध्यान रखना, हम जा रहे हैं। ठीक है बहुत ध्यान से जाना तुम। हाँ मेरे भाई। कैली तुम डरो नहीं, तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा। मैंने जो कहा था उस बंदे को खत्म कर दिया है तुमने। तो ये है मेरे भाई का इलाका, जल्दी चलता हूँ। हाँ हाँ बॉस मैंने खत्म कर दिया है, अपने शर्त हो जाओ। शाबाश, यही उम्मीद थी हमें तुमसे। अरे भाई ये लोग कैसे हो? अरे आओ मेरे भाई आओ क्रोनो।
तुम्हारा इंतजार था मुझे। अरे क्रोनो मत बोलो, तुम्हें पता है शहर में मेरा नाम CR7 है। CR7 ही बोलो करो भाई मुझे तुम, तभी अच्छा लगता है मुझे यार। अरे ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ आना कैसे हुआ? आज कैसे आई तुम्हारे अपने भाई की याद? अरे भाई तुम्हारी मदद चाहिए। शहर में एक सुपर हीरो पनप गया है, उसका नाम कोबरा है, और उसने मेरे क्लॉक टावर पर आकर तबाही कर दी है। अरे भाई नाम तो मैंने भी सुना है कोबरा का, लेकिन तुम मेरे पास आयो तो चिंता मत करो। अब से तुम्हारी चिंता तुम्हारे भाई की चिंता है, मैं देख लूंगा उसे। ठीक है भाई, तुम मेरे साथ हो तो डरने की क्या बात है। हाँ मेरे भाई हाँ, मैं खत्म कर दूंगा उसे। अबे ध्यान से पकड़ बे मच्छी, क्या कर रहा है, तुझे किस लिए काम पर रखा है? अरे यही मिलेगा मुझे वो अलवेरियो जिसे कि सबकी जानकारी होती है। अरे मेरे भाई अलवेरियो। अरे ये कौन है बजे डर रहे मुझे? अरे पहचाना क्या, मैं कोबरा हूँ। कोबरा कोबरा क्या क्या है तुम्हें? मुझे उस CR7 के बारे में जानना है कि कहाँ पर है उसका ठिकाना। तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा मैं, लेकिन याद रखनी वो बहुत खतरनाक है। लेकिन मुझसे खतरनाक नहीं है, तुम जानते ही होंगे मुझे। मैंने हाल ही में उसके क्लॉक टावर पर अटैक किया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया है। तुम्हें उसका पता सिर्फ एक आदमी बता सकता है, और उसका नाम है राउडी राठौर। कौन? राउडी राठौर? ये कौन है? अब ये तुम्हें जंगल के इलाके में मिलेगा, ध्यान से जाना। लेकिन ठीक है, अब उसे ही बताता हूँ मैं। पता नहीं क्या होगा इसका। अभी तू ध्यान से मच्छी पकड़। अभी मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ के लाया हो इधर तुम? तुझे क्या लगा कि तू हमारे बारे में बात करेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा? हाँ तुझे क्या लगा है कि CR7 तुझे छोड़ देगा? ये तेरी गलतफहमी है भाई, गलती कर दी तुमने हमारे बारे में उस कोबरा को बताकर। हमारे आदमी सारी जगह है, तेरी छोटी छोटी बातों को पता लगते है वो। हाँ वो तेरा जो फिशरमैन था ना, वो हमारा ही खबरी था। अबे अब तू मरेगा, तुझे पता नहीं है हमारे बारे में। कुत्ते मरने के लिए तैयार हो जा अबे। ये ले कुत्ते, अभी कहाँ मरा है, मरेगा तो ये ले कुत्ता कहीं का, हमारी खबरें देगा उस कोबरा को। बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब CR7। हाँ भाई, लेकिन अब मुझे लगता है वो यहाँ जरूर आएगा, तो अब कड़ी सुरक्षा बता दो भाई। अरे हाँ मेरे भाई हाँ, ये हमारा इलाका है और हमारे इलाके से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा, तो फिर वो कोबरा क्या चीज है? हाँ भाई हाँ, वो तो है। हमने सुने हैं कि वो कोबरा यहाँ आने वाला है। अरे ये क्या, ये किसकी गाड़ी आ रही है और पीछे क्यों आ रही है वे? अरे कौन है तू? ये कौन आ रहा होगा? ये तो कोबरा है वे, गोलियां चला उस पर, बंदूक के तान दो। हम पे गोली चलाओगे तुम? इतनी हिम्मत है तुम्हारे पास? अरे क्यों आए हो तुम यहाँ? हमें तो उसके बारे में जानना है, राबड़ी राठौर के बारे में। कहाँ पर मिलेगा वो हमें? वो हम ही है राबड़ी राठौर। तो तू है वो? मैंने सुना था कि तू तो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन तू तो एक ढीला ढाला सा आदमी है। अबे गैंगस्टर ही है हम, देख रहे हो कितनी गैंग है हमारे पास, जानता नहीं है तुम हमारे बारे में, काट के रख देंगे तुझे। अबे इससे ज्यादा तो हमारे घर में नौकर होते हैं, और तू इसे गैंग कहता है, इसे तो हम पल भर में ही मिटा देंगे। अच्छा ये बात है तेरी, वैसे तू इधर आया क्यों है ये बता दे मुझे कुत्ता। मुझे CR7 के बारे में जानना है, तो चुपचाप से बता दे। तुझे बता भी दूंगा तो अभी तू बच नहीं पाएगा, चल बता देता हूँ। वो तुम्हें मिलेगा गोंडवाना में। क्या गोंडवाना में मिलेगा वो मुझे? हाँ तू डरना मत लेकिन उसे, और धक्का क्यों दे रहा है कुत्ते? क्योंकि अब तेरा समय खत्म हो चुका है, जितनी बातचीत करनी थी उतनी होगी, अब मार खाएगा मेरे हाथों से तू। ये ले, तुम भी मरोगे इसके टटपुंजियों। ये ले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम कोबरा को मार सकते हो? ये ले, अबे तू क्या देखता है बे, तू भी मरेगा। ये ले बे, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया तुम्हारे, छोड़ दो, बख्श दो मुझे, छोड़ दो। जाना चाहता है तो ये जा। अबे साले तू क्या देख रहा है, और मरेगा हमें, मार। ये ले, मर के ना। ये ले बे, बड़े आए गैंग कहलाने वाले। हट।
एक पल में ही राख कर दिया तुम लोगों को मैं। अब बस CR7 की बारी है, वो नहीं बचेगा मेरे हाथों से। मेरे भाई बुढ़ावरी राठौड़ मर गया है, सुना तुमने? हाँ भाई, और मुझे लगता है उसने कोबरा को हमारे बारे में बता दिया होगा, और वो आता ही होगा। तो यहाँ छिप कर बैठा था तू CR7, तुझे क्या लगा कि तू यहाँ छिप जाएगा और तू हमसे बच जाएगा? नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। अरे कोबरे, तू इधर आ गया वे कुत्ते, मार डालूंगा, ये मेरे भाई का इलाका है। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? अबे इलाका भेड़िए क्या होता है, शेर का पूरा जंगल होता है, सुना नहीं है क्या तूने? अबे कुत्ते बड़ी बक बक कर रहे है वे। अरे भाई ये लोग, दिखाना इसे अपनी जरा पावर। इसकी हड्डी नोच डालो कुत्तों से। हाँ सिपाहियों, तैयार हो तुम इस पर निशाना दागने के लिए? हाँ तैयार हो जाओ इस पर निशाना दागने के लिए, मार डालो इसे, काट डाला इसकी बोटी बोटी, नोच डालो कुत्ते की हमसे। क्या कह रहा था मैं? फिर से बोल। बढ़ाया हमें मोचने वाला, और सालो तुम क्या देख रहे हो? ये ले। तुम क्या देख रहे हो? हट। ये ले। तुम्हारा बॉस तो मर गया है, तो तुम जी कर क्या करोगे? ये लो, तुम भी मरो, अपने बॉस के पास जाओ स्वर्ग में। ये ले बे। अलोक बड़ाया उसकी मदद करने वाला, हट। मर गए सभी। अबे तू कैसे बच गया? ये ले, मुझे छोड़ दो। ये ले तो छोड़ दिया ना, लगता है सब खत्म हो गए हैं। अबे ये ले। अब मेरी कली बिल्कुल सुरक्षित है, और जब तक मैं जीवित हूँ उस पर आंच नहीं आने दूंगा। कौन है वो जो हमारे इलाके में आकर हमारे साथियों को मार कर चला गया है? बॉस कोबरा है, और हमें नीचे नदी के पास एक लाश मिली है। अच्छा रुको, हम अभी जाकर देखते हैं किसकी लाश है आखिरकार वो, और कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। अरे ये लगता है अभी भी जीवित है। ये है वो इलाका। अबे क्या हो रहा है इधर, कौन सी लाश मिली है तुम्हें? अरे बॉस लाश नहीं, ये तो अभी भी जिंदा है। अबे है कौन आखिरकार ये, और ले जाओ इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल, जल्दी इसको रिकवर करवाओ, इससे पूछेंगे आखिरकार किसने इसकी ऐसी हालत की है, और हमारे साथ ही आलोक को किसने मारा है। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। जल्दी करो भी जल्दी। दोस्तों आपको पता ही है कितनी मेहनत करते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, तो अगर एंड तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे पैर पर कमेंट कर देना, और लिंक दिया है नीचे फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वहाँ फॉलो भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।